कौन सी नमाज? फजर की। माशाल्लाह। Assalamualaikum to everyone from the holy city of Makkah. आज हमारा दूसरा दिन है मक्का में। हम आया फजर की नमाज अदा करने के लिए। अभी नमाज अदा कर दी गई अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मज़ा आया है। आज हमने नमाज अदा की मस्जिद हरम में। अभी अब जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, कुछ पराठा ट्राई करेंगे, साथ में चाय पीने का बहुत दिल कर रहा है। रात को बहुत कम नींद पूरी की थी हमने। अभी हम नाश्ता करके चला अपने होटल वापस जाएंगे और थोड़ी बहुत नींद पूरी करेंगे। उसके बाद आपको इंशाल्लाह दिन में मज़ीद मक्का की जो खूबसूरती ये दिखाएंगे और आपको पूरे दिन के बारे में बताएंगे कि हमारा आज का दिन कैसे गुजरेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नाश्ते पे। आ जाए हमारा नाश्ता आ चुका है जी। नाश्ते में हमारा चाय, ये पराठे। पराठे लग रहे हैं जैसा रोटी है, लेकिन हमने घी कम लगवाया है। और ये रहा हमारा दो अंडों का आमलेट। नाश्ता बहुत लाइट मंगाया है क्योंकि इसके बाद हमें थोड़ा सोना है और दिन का खाना जो है वो प्रॉपर तरीके से खाएंगे। अभी यार बहुत गर्म है, मेरा हाथ सड़ गया। पराठे क्रिस्पी हैं, लच्छेदार पराठे। अब ट्राई करते हैं। यार ये बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। ऑलराइट है, बेसिक नाश्ता है, कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, लेकिन ये गुजारे लेके है। फ्रेश है ना? फ्रेश है, गुजारे लेके आ रहा है। अभी नाश्ता करते हैं और इसके बाद जाएंगे वापस अपने होटल, वहाँ पर आराम करेंगे और पूरा दिन गुजारना है हमने अब मक्का में। ऑलरेडी बड़े थके हुए हैं, सिर्फ मैं 1.5 घंटा सोया हूँ। रात को 2 बजे आए थे, अभी 3:30 उठो, वजू किया है, नमाज पढ़ने के लिए और अभी नाश्ता करने के लिए आ गए। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि आगे कैसा दिन गुजरता हमारा। माशाल्लाह जी, यहाँ पर मौसम बहुत ही खूबसूरत है। अभी हमने नाश्ता मुकम्मल किया है और 6 बज चुके हैं। आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है और जो सीन है यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त है। हम कबूतर चौक पे मौजूद हैं इस वक्त, हरम के बिल्कुल सामने आइए। और यहाँ पे आपको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स, बांग्लादेशी रेस्टोरेंट्स और भी खाने पीने की चीज़ें, और आपको कुछ चीज़ वैसे चाहिए हो तो यहाँ से हर चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पर अभी बहुत रश लगा हुआ था, लेकिन जैसे सूरज निकल है लोग अपने काम पे वापस जा रहे हैं, होटल में वापस जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रश जो है अभी कम हो गया। बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत ही मौसम अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। इस जगह की अपनी के अहमियत है। आप क्लॉक टावर की ये क्लॉक टावर से बिल्कुल क्लॉक टावर की बैक साइड है। क्लॉक टावर मेरे सामने खड़ा है और इतना लंबा है माशाल्लाह जिसकी इंतहा नहीं। ऊपर करके देखना पड़ता है, ये बुर्ज खलीफा से थोड़ा सा छोटा, ज़रा बड़ा नहीं है। तो इंशाल्लाह अभी हमने काफ़ी इंजॉय कर लिया यहाँ पर। यहाँ से होटल जाने का तो दिल नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ी नींद पूरी करनी है वो भी लाजम है। अभी होटल चलते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, असी हुण जनाब जा गए हाँ नमाज़ पढ़ लिए जोर दी। हुण असी जा रहे हाँ मक्का दी अल मशहूर मंदिर ट्राई करन। उस्मान भाई ने बड़ी तरीफा की कि मंदिर जी है ना ये लाजम ट्राई करनी है। सुनना चाहे कि बहुत ही वधिया बनाते हैं, तो मैं कहा चलो आ जाओ मंदिर ट्राई कर लेने, कोई मसला नहीं। यार गर्मी बहुत ज़्यादा, गर्मी बेइंतहा है। शामी मौसम ठीक होता है, लेकिन दिन में बड़ी गर्मी होती है और बिल्कुल बर्दाश्त बार है मेरे तो, कम से बर्दाश्त बार। लेकिन बरह मौसम है, कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा। और असं टैक्सी कराने हैं और चलते हैं मंदी खान। मालूम
फाइन गल हो गल तो होने मजा ही सारा इसी चीज़ का यार बेहतरीन है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हरम शरीफ पहुँच चुके हैं और यहाँ पे बहुत ही गर्मी है। आप यकीन माने कि इतनी गर्मी है कि बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन अगर बंदा हरम शरीफ जा रहा हो तो अल्लाह ताला इतनी हिम्मत दे देते हैं कि हर कोई जा सकता है। आप चेक करें कितने लोग आए हुए हैं, माशाल्लाह हर तरफ लोग ही लोग हैं। गर्मी बहुत है लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है जब हरम के अंदर जाएंगे तो थोड़ा बहुत सुकून मिलेगा। मंदी खाने के बाद वैसे भी जो है वो काफ़ी गर्मी फील हो रही है। अभी अंदर जाएंगे, ठंडा जमजम पियेंगे और इंशाल्लाह दिल को सुकून मिलेगा। जी उस्मान भाई जी अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं तो गर्मी पड़ी लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि यूके की सर्दी से मैं सेकेंड टायर्ड हूँ, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ जी, मज़ा वाकई बड़ा आ रहा है। ये शहर ही जो वो सुकून का शहर है, आप यहाँ आएंगे तो आपको सुकून मिलेगा, दिली सुकून मिलेगा, दिली कल मिलेगा इंशाल्लाह। आप सबके लिए भी दुआ करेंगे। और अभी अंदर जा रहे हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा हैं तो वज़ू बनाएंगे, उसके बाद नमाज़े से अदा करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि हमारे दिन कैसे गुजरता है इंशाल्लाह। ये जी दो पैकेट हमें मिले हैं, कोई अरबी भाई ये बांट रहे थे, उन्होंने हमें भी दो दिए। उस्मान भी खुश है माशाल्लाह, काफ़ी हाँ हम जोर के बाद अंदर ही बैठे हुए हैं, हरम के अंदर बैठ नहीं गए तो अल्लाह ने खाना खुद यहाँ पे दे दिए, बजाय के बाहर जाते और खाना ढूंढते। तो इसमें एक जूस है, एक क्रोसेंट है, कोई इस तरह की चीज़ लग रही है। हाँ जूस है, पानी की बोतल है, और क्या है, खजूरें माशाल्लाह। जिस दी अल्लाह से जरा खैर दे, आमीन। लो जिस्मान साहब ने भूख लग गई है यार, भूख लग गई है तो उत्ते असी आए हैं क्लॉक टावर से, बड़ी अच्छी डील लगी सी, मैं चलो ट्राई कर लें। असी लेने राइस विद चिकन, खोलो सरकार तुम दिखाने इन्ना बड़ा पोर्शन, प्राइस सिर्फ और सिर्फ 10 रियाल। 10 रियाल क्या बात है यार, कमाल हो गया। नाल उन्होंने चिली सॉस भी दी है तो बड़ी जबरदस्त चिली सॉस लग रही है। ओए होए होए उत्तर सुटी है जी? हाँ जी सुटो सर। मज़ा आ गया। चले जी स्टार्ट करते हैं क्योंकि नमाज का भी टाइम हो रहा है ईशा का, आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। नहीं यार ये खाना इतना लजीज है जिसकी बंदा कितनी तारीफ करे। 10 रियाल में ये, अभी मैंने एक टुकड़ा तोड़ा है चिकन का और ये पूरा चिकन का पीस है। दिस इज़ अमेजिंग इट्सेल्फ, बहुत ही चिकन लजीज बना हुआ है, जूसी चिकन इनका। उस एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ दिखानी है जहाँ हम खाना खा रहे हैं क्लॉक टावर में, सामने मस्जिद हराम है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ पे नज़ारे ही कुछ और हैं, यानी कि एक आप खाना खा रहे हैं और सामने आप अल्लाह के घर देख रहे हैं, क्या बात है। खाना भी मज़ेदार है और सामने जो सीन है, जो नज़ारे हैं, ये भी देखने काबिल हैं। खाना भी मज़ेदार है और अल्लाह के घर की क्या बात है। जहाँ खाना तो मज़ेदार है ही है, अल्लाह के घर की क्या बात है यार, परफेक्ट स्पॉट है खाना खाने की। बड़े बड़े जगह पर खाना खाया लेकिन इस तरह की जगह पर खाना खाना सामने अल्लाह के घर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है खाना खा के यहाँ पे क्लॉक टावर में। बड़ा मज़ा आ रहा है, खाना बहुत अच्छा है इनका, खाना बहुत सस्ता है इनका, अपने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खाना महंगा है। यहाँ पे 10 रियाल में दो बंदे लिटरली पेट भरे खाना खा सकते हैं, विच इज़ वेरी अमेजिंग। हालांकि कॉन्सेप्ट उल्टा है। हाँ मैं जब यहाँ पे आता था मैं ये खाना महंगा होगा, लेकिन यहाँ पे खाना सस्ता निकला है बनस्बत जो हमारे अपने पाकिस्तानी इंडियन बंगाली जो रेस्टोरेंट्स हैं। खाना भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है। अब चिकन का जो पीस है आपको ट्राई करवाते हैं।
यार ये जो चावल है ना, मैंने जब भी खाया है, जहाँ से भी खाया है, वो यखनी वाले हैं। उनके मज़े ही और है, कोई ऑयली नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ आपको लगती नहीं है, फील नहीं होती। बेहतरीन है यार, मज़ा आ गया। खाना थोड़ा जल्दी में, हम इशा की नमाज का वक्त होने वाला है, खाना ख़त्म करते हैं और हमने फिर नमाज पढ़नी है। आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह नमाज के बाद। जी उस्मान भाई, की सूरत हाल है यार? वका सारियाँ गल्ला छोड़, तू इतनी खूबसूरती चेक कर, सुभान अल्लाह वा बिहम्दी सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत जगह है कि मैं आपको बता नहीं सकता। खाली क्लॉक टावर देखो, उसकी खूबसूरती, तो सामने अल्लाह का घर देखो सुभान अल्लाह। जो ही तुम क्लॉक टावर के बाहर निकलो, सीधा सामने देखो तो तुम अल्लाह तला का घर नज़र आ जा सी। ठीक है, मैं कहना कि इस अमेजिंग पीस ऑफ आर्ट, ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन, एवरीथिंग सो ब्यूटीफुल, मैं तुम्हें लफ्ज नहीं दस ना सकता। नमाजा मुकम्मल हो गई ना अल्हम्दुलिल्लाह। हूँ जाना उतना खाना खाना से दोबारा फिर, और दो चीज़ें से ट्राई करांगे और तुम दिखावांगे। तुम मक्का टावर की खूबसूरती चेक करो, कितनी खूबसूरत तरीके ने बनाई गई ये बिल्डिंग, और आई डोंट नो कितना अरसा होया, लेकिन यह कि खूबसूरत बहुत है, आज भी इसकी खूबसूरती जी है बरकरार है, और बिल्कुल मक्का के बिल्कुल सामना बनाया गया। मैं ये चीज़ बड़ी पसंद आई है, जैसे ही तुम मक्का टावर के थले उतरो सामना देखोगे तो तुम्हें जरा वो खाना काबा नज़र आएगा। ये चीज़ मैं बड़ी पसंद की थी, और लोग इतना खड़े होकर भी दुआ मांगते हैं क्योंकि खाना काबा तुम्हें सामना नज़र आना है। चलिए अंदर फिर आ जाओ, बाकी तुम अंदर तो दिखा ही दिता, उसकी ऐसा वीडियो तुम बनाई है, तो बहुत ही जबरदस्त माशाल्लाह अंदर जरा ना मक्का टावर के अंदर सब कुछ है, शॉपिंग सेंटर है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, आई मीन यू नेम इट, तुम हर चीज़ अंदर मिलेगी। सिर्फ तुम खुद इतने आ जाओ, थोड़े बहुत पैसे ना ले आओ, तो बाकी तुम सब चीज़ सब चीज़ा मक्का टावर मिल जाएंगी इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखो लोग बाहर बैठे ने, इंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे ने, नमाजा ख़त्म हो गई नाइज दियाँ, पिछा सारे पढ़ चुके हैं, इस तो बाद हम खाना पीना का इंजॉयमेंट का टाइम आ गया। अगर तुम हूँ दिखाओ ना बैक साइड से, तो खाना काबा नज़र आ सी, गेट नंबर पता नहीं केड़ा, लेकिन असि जनाब मक्का टावर के बिल्कुल सामने खड़े हैं, और सामने माशाल्लाह खाना काबा नज़र आ रहा, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा। गेट नंबर कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये मेन इंटरेस्ट है, गेट नंबर ना 94 को अगला गेट है, मोर लाइकली 95 होना है, जिस खाना काबा तो सामने नज़र आता है। तो चलो अंदर चलते हैं, तो कुछ खाना वगैरह खाने आ जाओ। जहाँ से हमने थोड़ी देर पहले खाना ट्राई किया था, अभी दोबारा भूख लग चुकी है, और वहाँ पे हम एक नई चीज़ ट्राई करने के लिए आए हैं जो हमने लास्ट टाइम देखी थी। उस्मान भाई के दिल में था कि यार ये चीज़ जो है ना लाजम ट्राई करनी है, मैंने कहा चलो यार अब आए जो हैं तो आपको ये चीज़ प्रोवाइड कराते हैं। ये राजी रेस्टोरेंट, द ग्लोबल व्यू रेस्टोरेंट, यहाँ पे हमें लज़ानिया थैंक यू। लास्ट हमने ये चिकन ट्राई किया था, और साथ ये वाले चावल ट्राई किए थे, ये वाले चावल आ गए, ये चावल फ्रेश बन के आए हैं, और ये चिकन का पोर्शन जो आपको पहले दिखाया था। अभी खाना ऑर्डर कर दिया, वेट करते हैं खाने का। जी मज़ीद इंतज़ार नहीं करते, खाना खोलते हैं। हमने ऑर्डर किया था पास्ता लज़ानिया, यार तस्वीर में तो बहुत खूबसूरत लगा था। ये वाला जी यार काफ़ी बड़ा पोर्शन है, और कीमत है सिर्फ 10,000। अब इसको खोलते हैं और देखते हैं कि कैसा होता है। ये इसके जी अंदर के
معاملات ہیں اس کو اب کافی گرم ہے یار میری زبان نہ سڑ جائے بڑا ٹرائی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو یہ کیسا لگا ہے ٹھیک بنا ہوا کریمی بہت ہے لیکن اتنا اسپائسی نہیں ہے جتنا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اب میں نے تھوڑا بہت اس میں مسالہ لگایا ہے اندر والا وہ تھوڑا بہت مسالے دار لگ رہا ہے ممکن ہے کہ اس یہ بائٹ ہے یہ تھوڑی بہت مسالہ دار ہو اور تھوڑی بہت اسپائسی ہو یہ اس سے بہتر تھی لیکن بہت ہی کریمی ہے اور یمی ہے مزہ آ رہا کھانے کا گرم ہے تھوڑا بہت لیکن اچھا بنا ہوا ہے ہاں کریمی بہت زیادہ ہے یار دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے اس کے اندر کچھ مسالہ ڈالا ہوا ہے اب مجھے یہ نہیں پتا کہ میٹ ہے یا کیا ہے کچھ اندازہ بھی نہیں ہو رہا خاص تو ایک کریمی بہت زیادہ ہے یہ میرے خیال میں تھوڑا بہت قیمہ ڈالا ہوا ہے اس کو جگہ مجھے بھی فیل ہوا ہے بہترین ہے یار تو گائز چلا اب اس کو پراپرلی شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کھانے کے بعد کہ اس کا ریویو کیسا ہے آپ سے ملتے ہیں تھوڑی دیر میں یعنی بل جا علیکہ صلوات